देखो हम ना प्राय अपना नया वर्ष बीत गए हैं। नए वर्ष से पंचांग आता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है। आजकल हम इतने मॉडल हो गए कि पूछें भाई नया वर्ष कितने तारीख को आता है, तो आप क्या बोलोगे? कब आते हैं? 1 जनवरी को ना। हाँ, फिर 31 तारीख को खूब पार्टियां करते हैं, नहीं लास्ट दिन है बोला। और 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नया वर्ष। तो हमारा नया वर्ष कब है? 1 जनवरी को है। 1 ही जनवरी को है ना, क्योंकि यही सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को, जबकि अपने नए वर्ष का हमें पता ही नहीं। जैसी शिक्षा दोगे ना, अब वो तो इसी को मनाएंगे। अब आप बताओ, 1 जनवरी को कुछ नया हो रहा है? पेड़ बेचारे सूख जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सब जगह सूखा ही सूखा होता है। क्या आपको नया दिखाई देता है? कुछ नहीं होता है ना नया। देखो हमारा नया वर्ष कब है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष, जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है, नव दुर्गा माँ की भी पूजन कितने दिन तक चलती? 9 दिवसीय। माने यह पूरा संवत्सर हमारे लिए, हे माँ भगवती हमें शक्ति देना, हर प्रकार से संपन्नता देना, और पूरा यह वर्ष हम 9 दिन तक पूजा करें, यह नव वर्ष हमारे लिए क्या रहे? मंगलमय रहे। तो उस समय देखना नए नए पौधे आ जाते हैं, जो वृक्ष हैं कोमल कोमल पत्तियां आ जाती, चारों तरफ फूली फूल दिखाई देंगे। पूरी प्रकृति अभी भी मनाती है, वो तो हम मॉडल बन गए, प्रकृति नहीं बनी, वो मनाती अभी भी क्या? नया वर्ष। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा दो कि नया वर्ष कौन है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष, वहीं से सृष्टि की जो प्रथम गणना है वहां से प्रारंभ हुई, तो वहां से प्रतिपदा से, और उसी समय देखो 9 वर्ष में किसका प्राकट्य होता है? रामचंद्र भगवान की। तो प्रभु प्रेमियों, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिस दिन नया वर्ष हो उस दिन अपने ब्राह्मण देवता के पास जाएं, या उन्हें अपने घर में बुलाएं, पंचांग की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें। जो नया संवत्सर है उसका नाम, जैसे अभी कौन सा चल रहा, नल नामक संवत्सर, उसकी पूजा करनी चाहिए, मनवंतरों की पूजा करनी चाहिए, ताकि सारी सृष्टि के लिए मंगलमय हो। और जब आप करोगे ना, तो आपके बच्चे भी करते रहेंगे, नहीं तो वो अभी 1 जनवरी को ही मनाएंगे। और हमारे जिस समय हमारा नया वर्ष आता है ना, वो 31 तारीख वाली पार्टी नहीं होती है, उससे पहले अमावस्या से पहले सामान एकत्रित किया जाता है। किसके लिए? घर में हरियाली बोने के लिए सामग्री लाते हैं, माँ भगवती की उपासना करने के लिए नए नए वस्त्र बनाए जाते हैं, कि स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, माँ की उपासना करेंगे। और लेकिन जो वाला नया वर्ष है उस समय खूब 31 तारीख खूब खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अब लास्ट दिन है, हे भगवान। और ठीक 12 बजे जिस समय अंधियारी होता है बिल्कुल, लेकिन हमारा तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती की उपासना, घर घर में प्रत्येक घर में देवी माँ की हरियाली डाली जाती है, देवी माँ की उपासना होती है, यही तो हमारा सनातन धर्म है। तो प्रभु प्रेमियों, इसीलिए पंचांग अवश्य सुनना चाहिए, पूरे वर्ष का वर्ष फल सुनना चाहिए। हमारे पंचांगों में पहले ही लिख देते हैं सारी। अब देखो आज वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं, अब बता रहे सूर्य ग्रहण वहां हो रहा है, इतने तारीखों का, लेकिन पंचांग में पहले ही लिखा जाता है, और बहुत पहले से लिखा जा रहा है कि उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा की कलाओं के बारे में दिया होता है, प्रतिपदा द्वितीया, शुक्ल पक्ष में क्या वृद्धि होती है, कृष्ण पक्ष में घट जाती है, सारी गणना। कहीं जैसी प्रकृति आपदाएं आती है पहले ही लिखा देते हैं। यह ज्योतिष है, हमारे शास्त्र में ज्योतिष को नेत्र बताया गया है। प्रेम से बोलो, अब कौन सा है हमारा नया वर्ष? जोर से बोलो, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। बच्चों को भी यही सिखाना, और अब तो बच्चों को पता ही नहीं चैत्र का महीना कब होता है, क्योंकि पहले गति बोलते ना, आज इतनी गति जिसे प्रविष्ट कहते हैं, पहले जो बुजुर्ग है उनको तारीख नहीं पता,
चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद या कौन सा महीना चल रहा भाद्रपद, तो पता होना चाहिए इन महीनों का। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, हम सबको अपना नए वर्ष के बारे में अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। उसमें सब कुछ लिखा है कि कलिकाल की आयु कितनी हो गई। तो प्रभु प्रेमियों